Hi guys, welcome to my channel. So on this special day of Akshaya Tritiya, I am going to share with you a recipe of besan ke laddu from my mom's kitchen. So without further delay, check out its ingredients. For this we need besan, ghee, elaichi powder, sugar powder and some dry fruits to decorate. अब हम सबसे पहले बेसन को और घी को अच्छी तरीके से यहाँ पर पकाना है, उसको भूनना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और ध्यान रहे कि उसे पकाते टाइम उसमें कोई लंप ना पड़े। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा बेसन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर भुनना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि जो बेसन है वो थोड़ा थिक है तो उसमें आप थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे जब हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट होने लगा है, भुनने लगा है, अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से भुनकर रेडी हो चुका है। अब हम जो गैस है उसको ऑफ करके और बेसन को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस स्टेज पे हम जब बेसन एक बार अच्छे से भुन जाएगा तब हम उसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि शुगर ऐड करने के बाद आपका जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया है तो आप अलग से बेसन को रोस्ट करके भी अपने बाकी के बचे हुए जो बेसन का बैटर है उसमें ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी थिक हो जाएगी। सो बेसन के लड्डू रेडी हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।